पुलिया में बैलगाड़ी पलटने से दो बुजुर्गों की मौत, माहुलझर में हुआ हादसा। परासिया क्षेत्र के परिवारों के पुनर्वास के लिए कमलनाथ ने लिखा रेलवे महाप्रबंधक को पत्र। हत्या करने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, रामपुरी गेट के पास 5 दिन पहले मिली थी लाश। चर्च कंपाउंड के पास मिला नवजात शिशु, जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। और प्रभारी कलेक्टर ने ली कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। माहुलझर ग्राम में बैलगाड़ी पलटने से दो बुजुर्गों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक माहुलझर थाना अंतर्गत पुलिस को पुलिया के नीचे बैलगाड़ी पलटने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर बैलगाड़ी में सवार दो बुजुर्गों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनके शव को तामिया स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि पुलिस बैलगाड़ी पलटने के मामले की जाँच कर रही है। कोयलांचल क्षेत्र की विविध समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सदैव तत्पर और प्रयत्नशील रहने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने परासिया क्षेत्र में पुनर्वास की समस्या को लेकर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर वर्तमान में उत्पन्न समस्याओं के तत्काल निराकरण की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रेलवे विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोरी को अपने प्रेषित पत्र में परासिया क्षेत्र रेलवे की जमीन पर वर्षों से निवास कर रहे परिवारों के पुनर्वास पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। कोयलांचल के चांदामेटा थाना अंतर्गत भमोड़ी जाटा छापर मार्ग के रामपुरी गेट के समीप 5 दिन पहले झाड़ियों में मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को पकड़ा है। मामले का खुलासा करते हुए चांदामेटा थाना प्रभारी राजेंद्र मर्सकोले ने बताया कि 21 मई को रामपुरी गेट के पास एक युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान लक्ष्मण उर्फ अन्नू पिता श्रीराम यादव के रूप में की गई। उन्होंने बताया कि मामला हत्या का प्रतीत होने से जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि मृतक लक्ष्मण यादव आखिरी बार अपने साथी अनुराग कौरव मनोज जावरिया के साथ देखा गया था। इसी आधार पर पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की, तो पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया कि उन्होंने अपने 3 अन्य साथियों एजाज अहमद, इदरीश उर्फ बिट्टी और जाहिर अख्तर के साथ मिलकर लक्ष्मण की हत्या की थी। ईएलसी चौक पर चर्च कंपाउंड के सामने एक नवजात शिशु मिला है, जिसे प्रारंभिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि कोतवाली पुलिस को बुधवार के दिन एक नवजात लावारिस शिशु मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शिशु को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया है, जहाँ पर नवजात पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। जबकि पुलिस ने नवजात बच्चे को सड़क में फेंकने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, जबकि नवजात के माता पिता को तलाशने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। कल थाना कोतवाली क्षेत्र में एक नवजात शिशु जीवित अवस्था में लावारिस हालत में मिलने की सूचना थाने को प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसे जिला अस्पताल में सुरक्षार्थ और चिकित्सा हेतु एडमिट भी कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक पूरी तरह अभी स्वस्थ है और सुरक्षित है, और इस संबंध में थाना कोतवाली में एक अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध, और मामले की विवेचना चल रही है। आगे आने वाले तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण के द्वारा कृषि विभाग की बैठक ली गई, जिसमें कृषि विभाग के साथ पशुपालन विभाग और मत्स्य पालन विभाग सहित उद्यानिकी के अधिकारी भी मौजूद थे। शासन की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन संबंधी समीक्षा बैठक में प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण के द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधक व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति। आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा। सिविल
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रेवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ, चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वीर शनि पिपलेश्वर धाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन चल रहा है, जिसमें अंकुश कृष्ण शास्त्री के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा पर प्रवचन दिए जा रहे हैं। आज भागवत कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की आकर्षक झांकी बनाई गई, जिसे देख श्रद्धालुगण मंत्रमुग्ध हो गए। अथवा यदि मैंने संपूर्ण प्राणियों में नारायण का दर्शन सदैव किया हो, चक्र सुदर्शन भगवान नारायण के पास चला गया, और एक भक्त नहीं दुर्वासा ऋषि की रक्षा। बाहर से आकर शहर में किराए से रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों को गृह आवास के फॉर्म भरकर इसमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, जिसके बाद कॉलेज में फॉर्म जमा होंगे। इस प्रक्रिया के चलते गुरुवार के दिन कोतवाली थाने में बड़ी संख्या में छात्राओं की भीड़ देखी गई। वेरिफिकेशन करवाना है, हम लोग रूम रेंट के लिए फॉर्म भरना है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन करवाना है थाने से। किसने बोला वेरिफिकेशन करवाने के? ये हम लोग को कॉलेज से रूल्स हैं कि आपको थाने से करवाना पड़ेगा। नहीं, कॉलेज में तो सिर्फ फॉर्म सबमिट हो रहा है, वेरिफिकेशन नहीं। वेरिफिकेशन वहाँ पर भी होगा और आपको थाने में भी जानकारी देना पड़ेगा। विगत दिनों नरसिंहपुर के ग्राम जैतपुर से बारात बटका खापा आई थी, जिसमें बटका खापा के दो युवक और बारातियों का विवाद हो गया था। युवकों ने धारदार हथियार से बारात में आए युवक के सिर और गले में वार किया था, जिसके चलते घायल युवक को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए रेफर किया गया था, जहां पर बुधवार के दिन उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मारपीट करने और धारदार हथियार से हमला करने वाले दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से थाना बटका खापा में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान वहां पर मृत्यु हो गई है। सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस ने जब संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक को एक बारात जो जैतपुर जिला नरसिंहपुर के सीमावर्ती क्षेत्र से थाना बटका खापा क्षेत्र में आई थी, और उस बारात के दौरान दो व्यक्तियों के विवाद में मृतक को कुछ चोटें उसके चेहरे और सिर पे आने से उसको इलाज के लिए पहले नरसिंहपुर और उसके बाद जबलपुर रेफर करके इलाज चल रहा था, और इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। मामले में अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना भी की जा रही है, और आने वाले तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई निरंतर की जा रही है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और सेंट्रल बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रचार रथ निकाला गया, जिसमें शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा लोगों को दी गई। ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों जो अपने घर से दूर किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें कुछ दिनों से गृह आवास के फॉर्म भरने में समस्या आ रही है। विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण करने की मांग को लेकर छात्र महासंघ द्वारा PG कॉलेज के प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर छात्र नेता इंद्रजीत पटेल, अनिरुद्ध देश पांडे, कुणाल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। गृह आवास होने का जो लाभ है ग्रामीण अंचलों के छात्र छात्राओं को जो मिलता है, यहाँ लोग किराए से रहते हैं, उन्हें उस लाभ
क्यों मिलते समय जहाँ जो फॉर्म जमा किए जाते हैं उसमें बहुत सारी असुविधाएं हो रही है, समय पे यहाँ टीचर नहीं मिल रहे हैं जो फॉर्म जमा कर रहे हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी प्रचार महोदय जी से अपील की गई है कि ये जो असुविधाएं हो रही है उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, यदि निराकरण नहीं होता है तो छात्र संघ होकर आंदोलन करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।